मराठी में बोलो, हिंदी समझ नहीं आती। राकेश ऑडियो नहीं आ गया तो बाबू मांगे हाथ को डाल। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छी कास्ट क्रू के साथ में काम करने का, और रवि कुमार, रवि बालिया और जैसे मार्टिन शीन, काल पेन, विनीत जी, हम सब लोग एक बड़ी अच्छी टीम ने मिलके एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश की, और मुझे अच्छा ही लग रहा है कि हम लोगों की तरफ से ऐसी ट्रेजेडी के लिए, डिजास्टर के लिए श्रद्धांजलि। जहन में कैसे आया कि ऐसी कोई फिल्म बनानी चाहिए, कैसे जहन में? रवि जो इसके डायरेक्टर हैं, ये उनकी रिसर्च है और उनको मिस्टर रवि बालिया से मिले, फिर सबका अच्छे से दोनों को पसंद आई स्टोरी और ये फिल्म बनना शुरू। आपके पास जब स्क्रिप्ट आई तो आपका क्या रिएक्शन था? मैंने इंग्लिश में स्क्रिप्ट थी तो मैंने अपनी वाइफ से बोला कि जरा पढ़ लेना क्या है इसमें, तो उसने जब बोला कि ये आपके जीवन की हमें लग रहा है सबसे बेस्ट स्टोरी है, फिर मैंने उसको सीरियसली पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये फिल्म मुझे करनी है और मैं इसका हिस्सा बनूंगा, तो बड़ा सौभाग्य। तो बस बहुत ही वॉज वंडरफुल, वेरी एक्साइटिंग। आपके किरदार की बात करें तो किस तरह का किरदार होगा? एक लेबर का किरदार, दिलीप। आपसे बात करें तो आपका किरदार किस तरह का? एक तो मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि ये फिल्म में काम करने का मुझे मौका मिला, और भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में जब हम लोग कॉलेज से जस्ट निकले थे, और तब ये ट्रेजेडी सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, उतना दूरदर्शन भी उस वक्त इतना चौड़ा नहीं था, और आज भी लोग मर रहे हैं। ऐसी घटना पे आधारित फिल्म लेकर और स्टोरी लेकर जब रवि कुमार ने अप्रोच किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म में काम करना मेरा सौभाग्य होगा, और उस फिल्म में मैं ऐसा डॉक्टर कर रहा हूँ जो डॉक्टर के पास कोई दवाई नहीं है और वो कितना हतबल है और वो क्या करता है। इतना छोटा सा इस फिल्म में मौका मिला मुझे उस रोल को निभाने का, आई थिंक मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी टीम के साथ, मतलब मार्टिन शीन है, कालपेन है, राजपाल जी हैं, और इतने बड़े फलक पे और इस तरह का रोल मिलना, आई थिंक मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। आई डोंट हैव वर्ड्स। फिल्म करते समय किसी भी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लाइक